नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक सूर्य नगरी देव में 4 दिवसीय छठ मेला के दौरान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सेवार्थ शक्ति मिश्रा फाउंडेशन सह गणेश मंदिर कुरका के तत्वधान और शिव श्रृंगार समिति के सहयोग से देव के पुरानी थाना मोड़ स्थित शिवालय के प्रांगण में भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। छठ मेला के दौरान 3 दिनों तक चल रहे इस महाभंडारे में लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के दौरान शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के शक्ति मिश्रा ने बताया कि देव में प्रत्येक वर्ष 2 छठ मेला का आयोजन होता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। जिला प्रशासन द्वारा पेयजल, आवासन, बिजली, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, लेकिन पूरे मेला क्षेत्र में कहीं भी बेहतर भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। मेला बाजार में शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है, इसी लिहाज से श्रद्धालुओं के लिए भव्य भंडारा आयोजन किया गया ताकि देव पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन उपलब्ध हो। 3 दिनों तक चल रहे इस भव्य भंडारे में जितने भी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया वो महाप्रसाद से संतुष्ट दिखे। इस दौरान हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस महाभंडारा का शुभारंभ शक्ति मिश्रा के पिता मदन मिश्रा ने फीता काट कर किया। देखिए, अगर देव परिसर की बात की जाए, देव भूमि की बात की जाए, तो आप जानते ही हैं कि जो देव भूमि है ये पुराना जमाना से पुरातन से चला रहा पुण्य भूमि है, देवों का भूमि रहा है। यहाँ पर कई मंदिरों को आप देखेंगे कि जो है जर्जर कंडीशन में जो है मंदिर है, जो कि 200 साल पुराना मंदिर है, 300 साल पुराना मंदिर है। अगर खास करके बात करते हैं यहाँ पर हम शिबाला मंदिर की, जो कि जो है आपका थाना मोड़ के पास स्थित है, ये 200 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है। तो ये जर्जर अवस्था में था जिसके ऊपर मेरा नजर पड़ा। उसके बाद मैंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। साथ ही साथ अगल बगल के क्षेत्र में भी कुछ मंदिर हमने बनवाए, जैसे कुरका में गणेश मंदिर हो गया, राजा कुरका के अंदर शिव और बजरंगबली का मंदिर हो गया, और अन्य मंदिरों का भी जीर्णोद्धार और नया मंदिर बनाने का कार्य चल रहा है। साथ ही साथ छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक चीज कमी महसूस किया। वो कमी ये महसूस किया कि अगर आप पूरे देव को देखेंगे तो यहाँ पे उचित मूल्य में भी शुद्ध खाना उपलब्ध नहीं है। तो शिव श्रृंगार समिति और गणेश मंदिर कुरका के सौजन्य से हमने ये फैसला किया कि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है भोजन का निःशुल्क व्यवस्था कराएंगे, शुद्ध सात्विक भोजन, जिसके अंदर आप देखेंगे कि 25,000 से 30,000 लोगों ने अभी तक जो है यहाँ पर निःशुल्क भोजन जो है ग्रहण किया है। और हमारा उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में हम इसको और भव्य बनाएंगे। अभी एक जगह हम यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं जहाँ 25,000 से 30,000 लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले वक्त में देव के गौरव जो है गौरवकालीन जो है समय देव का जो है गौरवकालीन समय बनाने के लिए हम और भी जगहों पर भंडारा करने का कार्य करेंगे। और अन्य तरह का हम जो है राजनीतिक से हट के हम समाज के लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर शिव श्रृंगार समिति, देव के समस्त जनता, क्षेत्रवासियों, जितना भी जनता है उनका संपूर्ण सहयोग हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है।